हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मेडिकल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, इन सभी के लिए मैं वीडियो आपको शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा और उसके लिए मैंने कम्युनिटी टैब में आपको पोस्ट भी कर दिया था। ठीक है, तो उन सभी पे बात करने से पहले गाइस आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने कम्युनिटी टैब में आप सभी लोगों के लिए पोस्ट किया था वो पिछले जो कैंडिडेट मेडिकल दे चुके हैं उन सभी से मैंने जानकारी ली थी, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था। लेकिन इस बार कुछ नए चेंजेस देखने को आपको मिले हैं कि जो नए कैंडिडेट हैं उन्होंने कमेंट भी किया था उस पर, तो उसके बेसिस पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके भी बताया अभी कि सर ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको इतना डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी करना है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो आपको है वो आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको वहाँ पे मिला होगा, ठीक है, तो उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, तो उसके बेसिस पे भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगर आपके पास में ये नहीं अवेलेबल है तो आपको साइट पे जाना है और उसके लिए आपको लॉगिन करना है, और अलग से आपके लिए लॉगिन पेज वहाँ पे बना हुआ है वेबसाइट पे INTEC 1 2019 के लिए। तो वहाँ से आप अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो भी आपका नहीं हो पा रहा है तो जो मेडिकल लिस्ट है आपका उसके अंदर आपको मेडिकल लिस्ट डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट वहाँ से निकलवाना है जहाँ पर आपका नाम और नंबर शो हो रहा हो। ठीक है, तो उसके बाद में उस पर आप अपना फ़ोटो आईडी चिपका के उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके पास में आई होप सभी के साथ में वो सिक्योर होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट आईडी लेना है। ठीक है, कोई भी आईडी आपके साथ में जो आइडेंटिफाई आपको करती हो, तो उसके लिए आपका जो आधार है, ठीक है, ये आपका साथ हो सकता है, या आपके पास में आपका पैन कार्ड हो सकता है, या आपके पास में कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, या कोई और सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हैं। अगर आपके पास में ये सब नहीं है तो उस पर आपका फ़ोटो चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हों। उसके बाद गाइस आपको लेके जाना है आपके फ़ोटो रिसेंट वाले ले जा सकते हैं, और या आप उस पर जो यूज्ड फ़ोटो हैं पहले ही से आपके एप्लीकेशन के ऊपर जो आपने लगाए थे वो भी आप अपने फ़ोटो ले जा सकते हैं साथ में। तो लगभग 10 कॉपी आपको उसके लेके जानी पड़ेंगी, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे कम भी हो सकता है, बाकी आप इतना कैरी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई इश्यू आपके लिए नहीं हो, तो आप अपना जो फेज़ 1 या फेज़ 2 में से किसी एक का भी एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। उसमें आपका हॉल टिकट नंबर होगा तो उससे उसका क्या हो जाएगा, वेरीफिकेशन हो जाएगा। साथ ही साथ गाइज, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप 10th या 12th दोनों की मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, 10th और 12th दोनों की ओरिजिनल मार्कशीट भी आप कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, इतना कोई इश्यू आई थिंक नहीं होगा, और आपका एडमिट कार्ड तो हो ही जाएगा जो भी आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट वाला है। ठीक है, तो ये सब तो आपको कैरी करना है, और बाकी आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए गए होंगे तो उस बेसिस पे भी आप पे अपना ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ ज़्यादा आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात है कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, आराम से आप सभी लोगों का हो जाएगा। तो उससे पहले आपको बता दूं कि जैसे आपको बताया गया होगा कि आपको जाते ही फास्ट टेस्ट होगा, फास्टिंग टेस्ट आपको, तो 14 आवर्स तक आपको कुछ नहीं खाना है जैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट हो, वो आपको इंस्ट्रक्शन में बताया भी गया है। उसके साथ में जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है आपको, तो उसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। किसके लिए लेके जाना है, अगर आपका जैसे किसी के चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो भी है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जिस डॉक्टर से आपने वो चश्मा बनवाया है उसके साथ आपको एक लिस्ट आपको लेके जाना है, एक पैराग्राफ भी उसको टाइप करवा के लेके जाना है, वो डॉक्टर से आप कर देगा, उस पर मोहर होना चाहिए उसका, और वो 1 महीने पहले होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, तो वो वीडियो आपने शायद देख लिया होगा तो आप अपना बनवा चुके होंगे, तो वो भी आपको कैरी करना है अगर आप अपना चश्मा ले जा रहे हो, चश्मा ज़रूर लेके जाना है जो। और बाकी गाइज आपको कुछ नहीं ले जाना है, बाकी आप निश्चिंत रहिएगा, अपना बैग साथ में लेके जाइएगा, ठीक है, और बैग में आपको जो भी सामान हो अपना 2 दिन का मैनेज करने का ले जा सकते हैं। आपको वहाँ पे पहले ही बोला गया है कि आपको 2 दिन तक स्टे करना पड़ सकता है, वो भी आपकी आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी पर करना होगा, आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, उसके लिए एयरफोर्स कुछ भी व्यवस्था नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना जो भी बैग में सामान ले जाना है वो ले जा सकते हैं, आप किसी को फ्रेंड को साथ ले जाना चाहते हैं वो भी ले जा सकते हैं, अगर ज़्यादा दूर है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है, और 2 दिन तक लग जाएगा। उसके बाद में जैसे आपको जो हो जाता है, और थोड़ा बहुत जैसे जा रहे हो तो अभी साफ़ सफाई का ईयर वैक्सिंग वगैरह करवा लेना, तो उसके बाद में जैसे ECG आपका जब भी हो, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर घबराहट हो रहा है, जैसे कोई नेक्स्ट बंदा आपका नंबर आने वाला है, तो 2-4 लंबी सांस लेना है और थोड़ी देर के लिए अपने सांस को अंदर रोकना है, उसके बाद छोड़ देना, थोड़ा आप अच्छा फील करेंगे, नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके बाद में गाइस जैसे ही आपका मेडिकल होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, और उसके लिए आप या तो किसी भी वीडियो के लिंक पे आ जाके उसके डिस्क्रिप्शन में आप उसे जाके कमेंट कर दीजिएगा,
मैं आप ज़रूर देख लूँगा, मुझे कमेंट का पता चल जाएगा। आप जहाँ पे भी करें, कम्युनिटी टैब में कहीं पे भी कर सकते हैं, और मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कॉल ना कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, और वॉइस रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका मेडिकल ख़त्म हो जाए तो आप अपने कीजिएगा, और उसके बाद में मैं आपको रिव्यू में बता दूंगा कि क्या आप सभी लोगों के साथ में हुआ है। इस बार पैटर्न में थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुआ है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको फिर से बता दिया रिवाइज़ करके सारी चीज़ें। तो ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, और आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस ऐसी दुआ करता हूँ मैं आप भगवान से, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और निश्चिंत रहिएगा, बने रहिए माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के साथ में। कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को गाइस ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच यार, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सोन।